नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। कनाडा की सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आज सबसे बड़ा विषय बन गया है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अपने राजनीतिक हितों के लिए कनाडा हमेशा से आतंकियों का साथ देती आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1985 का एयर इंडिया फ्लाइट 182 में हुआ आतंकी हमला था, जिसे कनिष्क विमान आतंकी हमले के रूप में भी जाना जाता है। इस हमले में 329 यात्रियों की मौत हो गई थी, जिसमें 86 बच्चे भी शामिल थे। भारत ने कई बार कनाडा की सरकार को आगाह किया था कि एयर इंडिया पर आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन हर बार कनाडा ने भारत के खुफिया अलर्ट को दरकिनार किया। इसकी वजह ये थी कि कनाडा की खुफिया एजेंसी इन आतंकी साजिश करने वालों से मिली हुई थी। इस बात की पुष्टि करती है कनाडा के सार्वजनिक प्रसारक CBC द्वारा जारी एक रिपोर्ट। CBC द्वारा मई 2003 में जारी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि CSIS के पास साजिश में एक मुखबिर था, जो विमान से सभी जानकारी एजेंसी तक पहुंचा रहा था, लेकिन बमबारी से ठीक पहले उसे विमान से बाहर निकाल दिया गया। मुखबिर का नाम सुरजन सिंह गिल था और कनाडाई खुफिया संचालकों ने उसे आखिरी मिनट पर इसलिए निकाल दिया ताकि वो हमले में ना फंसे। आधिकारिक कनाडाई दस्तावेजों के अनुसार गिल को देश से अवैध तरीके से ब्रिटेन ले जाया गया, जहां से उसे अंडरग्राउंड कर दिया गया। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा और इससे पता चलता है कि कनाडाई खुफिया एजेंसी और वहां की सरकार को कनिष्क आतंकी हमले की साजिश के बारे में पहले से पता था, लेकिन तत्कालीन कनाडाई सरकार ने या तो हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया या जानबूझकर अलग हट गई, जिससे दुखद घटना घटी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस दस्तावेजों से पता चलता है कि कनाडाई सरकार ने 268 कनाडाई नागरिकों समेत 329 लोगों की जान की कीमत पर इस संवेदनशील स्रोत की रक्षा करने का एक गुप्त निर्णय लिया। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि CBC रिपोर्ट से पता चला है कि कनाडाई खुफिया ने एयर इंडिया की जाँच से संबंधित सैकड़ों वायर टैप को नष्ट कर दिया था। बाद में अदालत में ये स्वीकार किया गया था कि ये कृत्य सिर्फ लापरवाही नहीं थी, जबकि 2010 में जॉन सी मेजर की जांच ने इस आपदा के लिए कनाडाई मंत्रालयों RCMP और CSIS द्वारा लापरवाहियों की व्यापक श्रृंखला बताया था। जांच से निष्कर्ष निकला कि ये जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं बल्कि लापरवाही थी। अब दशकों बाद कनाडा की राजनीति में एक बार फिर अलगाववादी आतंकियों का हौसला बढ़ गया है। ट्रूडो की सरकार ने अलगाववादियों के लिए कनाडा को सेफ जोन बना दिया है। भारत कनाडा राजनयिक विवाद और वहां की धरती पर अलगाववादियों के द्वारा किए जा रहे भारत विरोधी कृत्य ट्रूडो के अलगाववादी प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। और अब तो अलगाववादियों ने कनिष्क बम विस्फोट की दोबारा जांच की मांग की है, जिसका साफ मतलब है कि ट्रूडो की सरकार में इस आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों से दोष हटाया जा सकता है। ऐसे में यह साफ नजर आ रहा है कि कनाडा की सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है, फिर चाहे उन्हें इन आतंकियों का ही साथ क्यों ना देना पड़े। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।